दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हिम्मत सिंह आपके सामने कुछ खास विषय पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे पहले तो मैं अपने जो मेहमान हैं उनका कम से कम परिचय करा दूं, तारुफ करा दूं। हमारे साथ वाई एस गिल साहब हैं। वाई एस गिल साहब तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पे ना केवल सोचते हैं, एक मुख्तलिफ आवाज उनकी है और बेबाकी से तमाम जिसे तो अपनी बात रखते हैं, चाहे वो राजनीति का मसला हो, समाज का मसला हो, साइंस का मसला हो, हेल्थ का मसला हो या कोई भी, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट है। दूसरे साथी है हमारे साथ के नियोगी साहब हैं। के नियोगी जी का इतिहास पूरा का पूरा संघर्षों वाला रहा है, ट्रेड यूनियन से लेकर तमाम आंदोलनों में उनकी पूरी भूमिका रही है और आज एक नए विचार को लेकर एक राजनीतिक पार्टी भी है उनकी, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी है। तो लेकिन जो आज का विषय है उस विषय पे हम बात कर रहे हैं, वो थोड़ी सी बैकग्राउंड हम बता दें कि उत्तर प्रदेश का भयंकर किस्म का एक सांप्रदायिक उन्माद भी इसके साथ खड़ा करने की पूरी कोशिश हो रही है। उन मोहल्लों में जहां छात्र रहते हैं वहां पिटाई की गई है और वो बेतहाशा, वो पिछला जो जामिया में बच्चों की पिटाई हुई थी, छात्रों की पिटाई हुई थी, जेएनयू में पिटाई हुई थी, या जगह जगह जो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो मारने पीटने का सिलसिला था, ये उसी का एक्सटेंशन है। दूसरा कि इसके लिए मतलब हिम्मत कहाँ से पड़ती है, कहाँ से मिलती है इनको ये ऊर्जा जो अपने ही नागरिकों पे इस बर्बरता के साथ पेश आते हैं। गिल साहब आपसे। नागरिकता, नागरिकों के साथ हिंसा करना स्टेट का पुराना मसला है। स्टेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ ही रहती है, हर स्टेट, चाहे वो कैपिटलिस्ट स्टेट हो या कथित रूप में कम्युनिस्ट स्टेट हो, वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ ही रही है। और ये किस तरह का जो वायलेंस हुआ है, ये वायलेंस हम कब से देखते रहे हैं, पहले भी देखते रहे हैं, अभी हुआ, अब ये वायलेंस होने का गति बढ़ गई है क्योंकि डेस्परेशन ज्यादा है सरकार में। सरकार से जब नौकरी मांगी जा रही है तो नौकरी वो देंगे कहाँ से, जैसे प्राइवेटाइजेशन करेंगे या नौकरी देंगे, सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है, नौकरी कहाँ से देंगे। तो उनमें जो एक अपने अपना अक्षमता क्षमता ना होना इसके इसको जाहिर कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि उनकी पॉलिसी जो है, पॉलिसी के खिलाफ ये बात हो रही है। और योगी जैसा बंदा जब बैठा हो, योगी जैसे लोग जो हिस्ट्री सीटर हैं, हिस्ट्री से उनका ये कहना है कि मारो पीटो सबको, ठीक करो, वो पीट कर मार के गोली मार के लोगों को ठीक करना चाहते हैं, तो उसका ये हिस्सा है। अगर लोगों को पीटा जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी बीजेपी के राज में लोगों को पीटा जाए तो ऐसे बड़ी बात नहीं है, तो मामूली बात है। योगी जी बताएंगे अभी। नियोगी जी आप बताइए, क्या मतलब इस ये मतलब इतनी हिम्मत कैसे पड़ जाती है खास करके पुलिस प्रशासन को, अपने ही नागरिकों को जो केवल प्रदर्शन स्थल पे ही नहीं उनको घर में घुस घुस के मारना, ये कहाँ से इतनी वो मिलती है उनको, सब मिल जाता है। मुझे जो लगता है कि दरअसल जो अभी जो सत्ताधारी जो बीजेपी के बीजेपी की जो सत्ता है उसने इस एक चीज को समझ लिया है कि मैं कुछ भी करूं उसके जो है विरोध में कोई खास कोई ताकत, मतलब मजबूत कोई ताकत नहीं है हमें विरोध करने के लिए। तो जनता में जो उसने जो है 14 के पहले जो आश्वासन देकर के आए हुए थे, रोजगारों के हाथ के काम, विकास, कई तरह की चीजें बहुत आशा आशा भर करके और जैसा आया हुआ था, उसके बाद आकर के जस्ट उसके उल्टा ही कर रहा है। उल्टे मतलब जो है तमाम जो है पूरे राष्ट्रीय संपत्ति जो 70 सालों में जो जनता के पैसा से बना, वो चाहे रेल हो, चाहे जो है हवाई जहाज हो, चाहे कोलियारी हो, चाहे LIC हो, चाहे बैंक हो, सब कुछ जो है वो अदानी अंबानी और जो है गुजराती बंधुओं के हाथ, मतलब उनके उनके पास दे रहा है। तो जनता ये चीजें तो देख रहे हैं,
तो लगातार एक 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 एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है बढ़ते जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में खास करके जोगी जैसा आदमी जो ना तो मुझे तो लगता नहीं है कि जो है वो राजनीति समझते भी है और ना उनके जनता से कोई लेना देना है। दरअसल वो एक किस्म का जो कह रहे थे जो है गिल साहब जो कह रहे थे उस तरह के एक एक एक, एक, एक फैसिस्ट कैरेक्टर के जो है सज्जन है। तो वो जो है जनता के ये जो पूरे आकांक्षा है उनके जो पूरे उम्मीदें हैं सपने हैं उसके लिए जो सड़क में आ चुके हैं उसको सुनना तो दूर, उसको जो है दमन के जरिए उसको जो है फैसिस्ट तरीके से जो है उसको दमन करना चाह रहे हैं। ये कहीं मैं थोड़ा सा मैं रोकता हूँ। ये एक खास करके ईवीएम का जो एक खेल है, कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि चाहे तुम जो करना करो हम ईवीएम से तो सरकार बना ही लेंगे? ये तो एक बात तो है, माने केवल ईवीएम वाला मामला नहीं है। मैं एक बात को जरा कहना स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कहूंगा कि दरअसल पूरे देश में एक जो है ये जो फैसिस्ट जो है ब्राह्मणवादी फैसिस्ट जो ताकत है ये जो इस तरह से पूरे नंगाई के साथ जो है सामने आ गया है जनता के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यक राष्ट्रीयता के खिलाफ, ये इतना ताकत कैसी? क्योंकि हमारे देश के जो जिसको ग्राम्सी कहते थे एंटोनियो ग्राम्सी, ये दरअसल उसके जो है वो उसके सामाजिक एक आधार है। तो सिविल सोसाइटी जो सोसाइटी मतलब अपर कास्ट सिविल सोसाइटी, ये दरअसल उसको पैक कर रहा और ये दबासी समझ में आ रहा है। सेना के जो है कोई अधिकारी रिटायर होता है तो वो जो है बीजेपी में शामिल होता है, कोई होम सेक्रेटरी जो है वो रिटायर होता है तो वो जो है मंत्री बन जाता है। तो ये बकायदा ये अपर कास्ट जो है इस तरह से एक ब्राह्मणी के लिए खासी जिम के जो है बनाने और उसके जो है एक सत्ता बनाने के लिए जो है एक आमादा है और इसलिए इस तरह के जो है पूरी जाती हो रहा है। गिल साहब, आप जो योगी जी बोल रहे हैं कि जिस तरह का एक सामाजिक मतलब उन्होंने एक अपना बना लिया है कि ये हमारा समाज है इसके लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? मतलब इस चुनाव में किस समाज की बात कर रहे हैं? जिस समाज को नौकरी चाहिए, जिस समाज को एक सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, उसमें तो वो भी समाज है ना जो इसको बैक कर रहा है, इस फासिस्ट रिजीम को बैक कर रहा, जो सामाजिक समूह जो है इस बैक फासिस्ट जो रिजीम है उसके साथ खड़ा है, दिक्कत तो उसको भी तो आ रही है। दिक्कत है जो फासिस्ट रिजीम होती है, फासिस्ट रिजीम जो जब तक आज तक हुई है चाहे जर्मनी की हो चाहे इटली की हो, वो लोगों के सपोर्ट से ही बनी थी कि लोगों में दरार पैदा करो, आपस में लड़वा दो लोगों को, दो गुटों को दिखाओ कि ये इससे खतरा है तुम्हें, और खतरा दिखाकर झूठा खतरा दिखाकर कि माइनॉरिटी से जो अल्पसंख्यक है अकलियत है उससे जो मेजोरिटी है उसको खतरा है जी। जो अकलियत है उसे अगर मेजोरिटी को खतरा होने लगा, माइनॉरिटी से जो कम लोग है उसे मेजोरिटी को खतरा, इस तरह से दिखा के डर दिखाकर लोगों को एकजुट किया जाता है और तरह तरह के झूठ बोले जाते हैं। जर्मनी में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से फासिज्म अपने को सोशलिस्ट प्रेस करते रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये लोग ये तरीका ये होता है कि लोगों के जो दिक्कतें हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोगों की हालत खराब है, उस हालत को छुपाने के लिए उसको 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 उनको बुलाने के लिए एक तरह का कोई अफीम चाहिए, तो कहते हैं धर्म का अफीम दे दो या राष्ट्रवाद का अफीम खिला दो। वो अफीम खासतौर पर इस तरह अफीम नहीं, अफीम दवा की तरह है कि खा के आप सो जाओ, आराम रहो ताकि दर्द आपको महसूस ना हो। तो अफीम का मतलब है कि किसी तरह की दवा, दर्द की दवा दे दो। तो दर्द के लिए धर्म है, राष्ट्रवाद है और भी तरह तरह के उन्मादी ख्याल। उन्मादी ख्याल से क्या है कि आदमी जो असली जो काम करने हैं, जो काम करना है उसे उन्माद की तरफ जाएगा और यही हो रहा है और इसी से ये राज चल रहा है। फासिस्ट राज इसी तरह चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी जो आई है वो भी अपनी टेढ़ी मेढ़ी तरीके से आई है। सही मायने में डेमोक्रेसी कभी नहीं आई,
हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस पुलिस जो है, ये वही ब्यूरोक्रेसी है जो कि अंग्रेजों की थी। जो डीएम और एसपी का घर जो होता है 12 किलोमीटर लंबा होता है, इतना बड़ा घर होता है, इतने नौकर होते हैं, उस घर में इतनी जमीन होती है, खेती करता है वो। ये इतना कॉलोनियल पूरा ख्याल है, और उसको हमने धो के रखे हैं, उसको ढोते रहे, उसको कभी भी कर्म करने की कोशिश नहीं की। और वही कॉलोनियल ख्याल है पुलिस में भी। पुलिस जो डंडा चलाती है, गोली चलाती है, हिंदुस्तान में शायद दुनिया में सबसे ज्यादा गोली चलती होगी, कहीं भी दुनिया में गोली नहीं चलती है जितना हिंदुस्तान में चलती रही है, अभी चलती, पहले भी चलती रही है। तो लोगों के राइट्स पर पूरी तरह से ट्रैम्पल करना, हर तरह से राइट्स को दबा कुचल देना लोगों को, ये तो मामला रहा है पूरे हमारे सिस्टम का। ये प्रॉब्लम है, ये सिस्टम प्रॉब्लम है, इसका सबसे खतरनाक इस्तेमाल ये फांसीवादी फोर्स कर रही है। और जो फांसीवादी होता है वो जेंटलमैन नहीं होता है, उसको आप सज्जन कह रहे थे हमारे साथी, वो सज्जन नहीं होते हैं, वो तुलजन नहीं हो सकते, कोई सज्जन फांसीवादी नहीं हो सकते। लेकिन सज्जन तो फांसीवाद के इसमें तो आ ही जाता है, कहीं ना कहीं जो उसका भ्रम है, चाहे राष्ट्रवाद के नाम पे भ्रम हो, चाहे वो धर्म के नाम पे जो भ्रम फैला के रखता है, उसमें तो आ ही जाते हैं ना। लेकिन नियोगी जी, एक आपसे एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओबीसी के जो नेता है वो लगातार शिफ्ट हो रहा है, आपको आवाज आ रही है? हाँ योगी जी आपको। हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर ओबीसी का शिफ्टिंग है, तो वो क्या आप उसको लेके आप क्या समझ रहे हैं कि जिस तरह का भ्रम बीजेपी ने बनाया था वो टूट रहा है? ये बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। असल में जो ये समाजवादी पार्टी के ओर जो है शिफ्ट होना कुछ ताकतों के, तो इससे ये तो प्रतीत होता है कि जो अपोजिशन मान लीजिए इसके जो योगी सरकार के कोई विकल्प एक जो है जनता चाहती है। और क्योंकि इससे ये पता चलता है कि किसान आंदोलन स्वयं जो है एक विकल्प जो किसानों के जो है जो हित करे ऐसा एक सरकार चाहते हैं। फिर माइनॉरिटी चाहते हैं सुरक्षा के लिए अपने एक ऐसा एक सरकार जो है उसे सुरक्षा प्रदान करे। अनएम्प्लॉयड जो युवा है वो चाहते हैं उनके हाथ के कोई नौकरी दें। और महिलाएं भी ये चाहती हैं कि जो है इस तरह से दिन दहाड़े जो है ये जो हाथरस के कांड ना हो। तो ये लोग तो चाहते हैं कि जो है ये जो रेजिम है ये हटे, और भले और कुछ भी कुछ माने कुछ एक माने कुछ एक फॉर्मेशन आए, कम से कम सांस तो ले लो, तो ये एक बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो पूरे एंटी इनकम्बेंसी या ये टीवी के खिलाफ मोदी अमित शाह जोगी के खिलाफ जो क्रोध है लोगों के, उस क्रोध को जो है ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे और वामपंथी पार्टियां हो, ये इसको जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये दरअसल जो है और केवल इस्तेमाल नहीं बल्कि इनके पास विकल्प भी नहीं है। मतलब ये जनता की इशूज को सामने नहीं ला रहा है, किसानों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरी एयरलाइन से लेकर के रेल से लेकर के पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे देश के इकोनॉमी जो पूरे ये उनके दोस्तों को दे रहा है, अदानी अंबानी को दे रहा है, ये सब क्या करेंगे, ये जो है वैकल्पिक प्रोग्राम ये लोग नहीं ला रख रहे हैं। तो इससे जो है लोगों के भरोसा जो पूर्ण रूप से इन पर भी नहीं है, लेकिन जनता के सामने जो है और कोई चारा नहीं है। ये जो है जो भी अवेलेबल जो कमजोर भी विकल्प हो उसके तरफ जो है जनता हो सकता है शिफ्ट कर जाए। और संभावना तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो है पलरा इस पर इस बार भारी होगा। आपका क्या कहना है गिल साहब? आप तो अभी बीच में एक कह रहे थे कि ये इस बार चुनाव जो है पार्टियां नहीं लड़ रही हैं, जनता लड़ रही है, तो जनता का मूड कुछ आपको समझ में आ रहा है? जहां तक नजर आ रहा है जनता का मूड,
वो इसको नजर आ रहा है कि लोग अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अखिलेश लास्ट मोमेंट में आए जब कोई नहीं था, पर क्या है कि अखिलेश के आने से जनता का मूड में बहुत बदलाव आया है। अखिलेश के आने से बदलाव इसलिए आया है कि उनको अब जनता को ये लग रहा है कि ये जिता सकता है, शायद ये हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। ये नहीं, अखिलेश को ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है। अखिलेश अभी तक एक्टिव नहीं था, किसान मूवमेंट में एक्टिव नहीं था। किसान मूवमेंट लोगों की मूवमेंट थी, जमीन से उभरे हुए नेता थे। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का रोल थोड़ा सा लेफ्ट का रोल था, बहुत हल्का सा लेफ्ट का रोल था, मगर मेजर रोल नहीं था, साइड रोल था। मेजर रोल नॉन लेफ्ट इंडिपेंडेंट लीडर्स का था। उसका बहुत बड़ा असर हुआ है आज हिंदुस्तान पर। ये जो बार बार हम कहते हैं कि योगी की सरकार, देयर इज नथिंग लाइक योगी की सरकार, सिर्फ मोदी की सरकार है हिंदुस्तान में, और कोई सरकार नहीं है मोदी के अलावा। ये गलत बात है कि योगी एक चुना हुआ मोहरा है, मोदी का मोहरा है, और मोदी के बिना सरकार नहीं है। और असल लड़ाई है कि मोदी के शासन के खिलाफ में, या बाकी जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है वो इस बात को हर वक्त बोलती रही है, हालांकि एक्शन में बहुत कम काम किया है डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने, डेमोक्रेटिक पार्टियां ने। पर उसमें क्या है कि कुछ किसी पार्टी ने अगर डायरेक्टली चैलेंज किया है, लेफ्ट वाले तो एक रीजन आज नहीं जमाने से बोलते रहते हैं कि ये हाँ खराब है, फासिस्ट है, ये वगैरह वगैरह। मगर क्या है कि डायरेक्ट चैलेंज अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने बकायदा चैलेंज किया है, अगर डायरेक्टली चैलेंज किया है कांग्रेस बीजेपी को तो राहुल गांधी ने किया। उसने स्लोगन जो दिया था डायरेक्टली अटैक करते हुए मोदी को, चौकीदार मोदी चौकीदार है वगैरह वगैरह, वो काफी पॉपुलर हुआ था। इवन चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर। सो दैट वाज वेरी पॉपुलर, बट इट वाज अ डायरेक्ट अटैक ऑन मोदी, जो और कोई कोशिश नहीं करता। सब डरते हैं कि ईडी और वो छोड़ देगा, इसलिए चुप रहते हैं, बोलते नहीं लोग। हालांकि ईडी का और वगैरह वो जो इनकम टैक्स का छोड़ने वाला काम, यह आज से नहीं है, कांग्रेसियों ने शुरू किया था, उसी जमाने से होता आ रहा है, और इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अल्टीमेट इस्तेमाल है जो कि कांग्रेस करती रही है, उसका फाइनल टच ये दे रहे हैं। जितने गलत चीजें थी समाज में, जो ब्यूरोक्रेसी के पास में, जो सत्ता के पास में जो कुछ था, उसका भरपूर इस्तेमाल अगर कोई कर रहा है तो बीजेपी है। एक बात अच्छी है कि आर्म्ड फोर्सेस जो है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है, आर्मी मिलिट्री जनरल जो सारे तीनों विंग्स है, वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक है। उनका एटीट्यूड नहीं रहा है कभी भी सिविलियन अफेयर्स में इंटरफेयर करना, एक्सेप्टिंग अभी बीच में जो कोशिश की है इन्होंने कुछ जनरलों को ऊपर लाने की, पर जनरली जो फोर्स है हमारी, फोर्स काफी डेमोक्रेटिक है इस मामले में, और उसका वो बहुत खुश नहीं होते जब उसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों के खिलाफ में। हालांकि उसके बड़े पैमाने में इस्तेमाल होता रहा है फ्रॉम टाइम टू टाइम, पर वो उससे बहुत खुश नहीं होती फोर्सेस। तो उसमें क्या है कि उसका इनका इनके रहते हुए ये किस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे, या ये जो वायरस है कम्युनलिज्म संप्रदायवाद का, जो वायरस है, जो हिंदूवाद का, कथित हिंदूवाद का वायरस है, वो कहीं भी फैला जा सकता है। अगर वो कहीं आर्म फोर्सेस में फैल गया, पुलिस तो उससे काफी हद तक पीड़ित है, पुलिस पहले ही उससे पीड़ित नहीं, मैंने इन्फेक्टेड है, मैंने कहा कहने का पुलिस। लेकिन जी जी ये मैं समझ रहा हूं, मगर के आर्म फोर्सेस में ये चीज अभी तक गई नहीं है, ये अच्छी बात है। तो उसमें जब तक ये मामला, जब तक ये रहेगा कि चीजें थोड़ा डेमोक्रेटिक रुख लेंगे, लोग समझने लगेंगे। आज मजे की बात है, एक जुमला जो लोगों के बीच में है काफी हद तक जो सुनाई दे रहा है वेस्टर्न यूपी में विशेषकर, कि हमें हिंदू मुस्लिम करवा दिया था इन्होंने, ये हिंदू मुस्लिम करवा दिया था, इसलिए हम बहक गए, हम गुमराह हो गए। ये जो बार बार लोग बोल रहे हैं, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड इन इंडिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक पॉपुलर किसान मूवमेंट का कितना डीप असर हो सकता है, कितना गहरा असर हो सकता है, ये नजर आ रहा है। जी जी योगी जी, मैं आपसे एक बात पूछना है, बात एक सवाल है कि मतलब बीच बीच में बार बार जो टकराव होता है, खास करके ब्राह्मणवादी जो पूरा एक सिस्टम है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसमें जो तमाम श्रमिक जातियां हैं, श्रमिक समूह कह सकते हैं, और उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के अंदर भी जो श्रमिक समूह है, वो उसको कोशिश तो इन लोगों ने किया था हिंदू मुसलमान करके,
लेकिन फाइनली ये बार बार टकराव क्या आपको लग रहा है कि कुछ नया संकेत दे रहा है? देखिए टकराव तो नहीं होगा, दरअसल मुझे जो लग रहा है कि हमारे देश में एक वैचारिक शून्यता के एक जो है पैदा हो गया है। फर्ज कीजिए, मैं जरा अभी गिल साहब कह रहे थे, गिल साहब कह रहे थे कि भाई कोई मोदी से मोदी के जो है कोई मोदी को कोई मोदी के पॉलिसीज को कोई विरोध कर रहा है तो राजीव ये राहुल कर रहा है, तो राहुल के पास पास कोई पैकेज नहीं है, राहुल एक छीटपुट जो है एक एक कुछ जो है सस्ते के चीप किस्म के म, म, एक सस्ते बाहवाई के लिए एक आध सब कह देता है। उसके जो ये जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो है पूरे बाकायदा ब्राह्मण बनिया के हाथ में पूरे देश के संपत्ति को दे देना, इसके खिलाफ उसके कुछ एक शब्द नहीं है, ना ही कोई कम्युनिस्ट पार्टी के है या इस किस्म के जो है। दूसरी बात यह है कि मतलब पूरे सुप्रीम कोर्ट भी मतलब ये बाकायदा जो है सरकार के जो जो कह रहा है उसी में हामे हाँ मिला रहा है, जो सरकार जो कह रहा है वही कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी वही कर रहा है, पुलिस भी वही कर रहा है। तो ये तमाम चीजें जो चल रहा है ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, देश जो है क्रॉसरोड में आ चुका है और पूरे जनता जो है बाकायदा एक एक डिसगस्टेड पोजीशन में पहुंच गया। और असल में शासक वर्ग आप जो है जनता को आप जो है एनिमी आप उसको दुश्मन समझना शुरू कर दिया, तो कहीं भी कहीं विद्रोह होता है तो उस मतलब आप अपने मांगों को लेकर के तो वहां पर वो पैरामिलिट्री भेजना, वहां जो है इंडस्ट्रियल फोर्स भेजना, फिर मतलब ये कोई तरह की चीजें चाहे वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र के एरिया हो चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे इस किस्म के तमाम चीजें हो रहा है। तो ये बहुत बहुत आज आज मतलब आजकल में जो रेलवे भर्ती को लेकर के जो मतलब नौजवानों के ऊपर हो रहा है ये मामूली बात नहीं है, या जेएनयू में जो हुआ, डीयू के में जो हुआ, तो ये सब चीजें संकेत दे रहा है कि पूरे रूलिंग क्लास जो है और उसके पार्टियां जन विरोधी एक जो है पोजीशन ले चुका है। अब ये चाहिए कि आपको जो है ये जो जो अभी गिल साहब कह रहे थे कि भाई जो है वो कॉलोनियल जो सिस्टम के जो है पूरे वो लीगेसी अभी भी है, दरअसल हमारे ये कहने की कॉलोनियल लीगेसी को और उसने और भी हाइट पर ले गया है और इसके कोई विकल्प चाहिए, उसके विकल्प जो है वो कम्युनलिज्म अंतिम अर्थ में ये जो है एंटी मुस्लिम मामला नहीं है, असल में जो रिजर्वेशन जो है ओबीसी के 52% यहाँ आबादी है तो उनके उनके रिजर्वेशन जो है वो मतलब आईएएस या आईपीएस जो है खत्म कर देना तो ये तो बाकायदा जो है एक जास्ती है, या रिजर्वेशन को बंद कर देना तो इकोनॉमी में किसी कौन रहेगा, इकोनॉमी पर कौन राज करेगा, प्राइवेटाइज करेंगे, रेल प्राइवेटाइज करेंगे तो जनता के पैसा से बना हुआ है, अब जनता के पैसा से ये जो है रेल बना हुआ है, प्राइवेटाइज करेंगे तो कोई जो है अपरकाश्ती तो आएंगे, उसके सीईओ बनेंगे, उसका अफसर बनेंगे, तो दिक्कत तो होगा तो आम जनता के। तो ये सब चीजों को आप लेकर के अब जो है टाइम तो आ गया है एक वैकल्पिक एक एक अल्टरनेटिव है प्रोग्राम के, एक बकायदा आर्थिक राजनीतिक सामाजिक एक जो है पॉलिसीज की जरूरत है और इस मामले में जो है बकायदा विचार होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए जो भी हो, लेकिन आज जो है यूपी के चुनाव में कम से कम जो है जो ये 5 साल से जो पूरे जन विरोधी एक जो है जनता के एक जो है जनता के लिए नासूर बना हुआ जो सरकार है वो कम से कम जो है हटे, ये जनता ने एक जो है बकायदा इरादा बना लिया। गिल साहब मैं चूंकि लंबा हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, एक छोटा सा कि मतलब कहीं आपको इस चुनाव में उत्तर प्रदेश क्या संदेश दे रहा है नेशनल पॉलिटिक्स के लिए या आने वाले भविष्य की राजनीति किस दिशा में चलेगी, इसमें कहीं आपको कुछ संकेत दिख रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में, खास करके उत्तर प्रदेश?
अभी साथी नियोगी ने बहुत सी बातें कही, बिल्कुल सही बात है कि एक वैकल्पिक सोच की जरूरत है, पर वैकल्पिक सोच की जरूरत पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आ रही है। दिक्कत यह है सारी पॉलिटिकल पार्टीज डिफंक्ट है। मैं उस लड़के की बात कर रहा था कि वो लड़का कई बार बहुत रीजनेबल बात करता है, उसने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी आप बोलना शुरू किया, हालांकि उसकी पार्टी ही प्राइवेटाइजेशन करने में सबसे तेज थी, शुरुआत उसकी पार्टी से ही हुई थी, पर उसके बाद उसने भी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोला। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि लोगों में अब बहुत बड़े पैमाने पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में एक आक्रोश पैदा हो गया है। लोग परेशान हो गए कि आने वाले दिनों में नौकरियां नहीं मिलेंगी, सही मायने में नौकरियां नहीं मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर ही नहीं, पब्लिक सेक्टर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, सब जगह नौकरियां घटने वाली है। आने वाले दिन बहुत भयानक है। ये जो संकट, ये संकट जो है ये वैश्विक संकट है, ये कोई हमारे देश का संकट नहीं है। इसीलिए हर जगह फासिस्ट, प्रो फासिस्ट, जो स्यूडो फासिस्ट फोर्सेस है वो इकट्ठा हो रही है, वो आ रही है बार बार, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो वहां पर, चाहे मोदी हो यहाँ पर, चाहे इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं, पुतिन जैसे लोग हैं, वो भी सेमी फासिस्ट लोग हैं। तो ये क्या है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो क्राइसिस आ रहा है पूंजीवाद का, जो अपना क्राइसिस है, पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें हम जीते हैं, जो पूंजी पर चलता है, पैसे की व्यवस्था, सरमाएदारी क्राइसिस में है। क्राइसिस में इसलिए है क्योंकि ये उसको चाहिए कि मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, और उसका एक्सट्रीम पॉइंट पर जाना है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, कई चीजें आ रही है, करोड़ों लोगों की नौकरियां जाएंगी, जो हमारे बच्चे काम करते हैं आईटी सेक्टर में, खासतौर पर जैसे जिसमें जो फोन वाले सेक्टर है, जिसमें कॉल सेंटर है, कॉल सेंटर में बहुत बड़ा तबका एक काम करता है हिंदुस्तान का, जो दुनिया भर के कॉल सेंटर इंडिया में लगे हुए हैं, वो कॉल सेंटर अब बंद हो जाएंगे क्योंकि अब मशीनें बात करने लगेंगी, मशीनें इतनी इंटेलिजेंट हो जाएंगी कि वो खुद बात करेंगी, तो लाखों लोगों की नौकरी यहाँ चली जाएंगी। तो मिडिल क्लास बड़े पैमाने पर भी क्राइसिस में है, मिडिल क्लास भी अपने आप में। और मिडिल क्लास क्या है कि मिडिल क्लास सोचता है कि जो छीना छपटी है वो टारगेट उसको नहीं कर रहा है, वो टारगेट सरमायदारी को नहीं कर रहा है, वो टारगेट किसको कर रहा है, अपने भाई को। मेरा केवल सवाल थोड़ा सा मैं आपको इस बीच में रोकना चाह रहा हूँ। अभी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उस वो कहीं आने वाले भविष्य, मैंने देश के राजनीति की भविष्य का कुछ उसमें सूत्र दिख रहे हैं क्या? मैं इस थोड़ा इस दिशा में सोच रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का सामाजिक उथल पुथल है वो शायद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। तो और उत्तर प्रदेश जी उथल पुथल ही नहीं, ध्रुवीकरण हो गया बाकायदा, ध्रुवीकरण जो है, पोलराइजेशन, वो बड़ा जबरदस्त हो रहा है। और इस वक्त पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान का नहीं है, बीजेपी गैर बीजेपी का है, जो लोग बीजेपी के खिलाफ है, जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है। दिस इज ए फैंटास्टिक है। और इसमें अपर कास्ट के भी तबके हैं, अपर कास्ट के भी तबके हैं जो परेशान है कोविड के जमाने में, जिनकी नौकरियां गई है, अपर कास्ट के मिडिल क्लास के तबके बहुत नौकरियां गई, वो भी उनको भी बहुत उत्पीड़न हुआ है, तो वो भी इसके खिलाफ है। ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है, इट इज रियल पोलराइजेशन, जो कि आज तक बीजेपी करती रही है, अब लोगों ने उसके खिलाफ पोलराइजेशन हो गया है। तो मुझे लगता है या तो कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा, या फिर वो मशीनें जो हैं, मशीनों को कितना मैनिपुलेट किया जा सकता है ये कहना मुश्किल है, हालांकि बहुत मुश्किल है मैनिपुलेट करना, क्योंकि साथ में मैनिपुलेशन तब तक संभव नहीं होता जब तक लोग साथ ना हो। अगर लोग खिलाफ है तो मशीनों को भी मैनिपुलेट करना मुश्किल होगा, हालांकि अपर कास्ट का बड़ा तबका ही है जो मशीनें चलाता है, मशीनों को मैनिपुलेट करने में ज्यादा जानता है, इसीलिए खतरा जरूर है कि उसका मैनिपुलेशन किस हद तक हो पाएगा। उसको रोकने के लिए जरूर है कि मैंने पिछली बार पहले भी कहा कि दो तबके हैं, एक तो जाट जो है ये वेस्टर्न यूपी के, और दूसरे हैं यादव, ये दोनों तबके तगड़े तबके हैं, फिजिकली दे कैन फाइट, वो किसी को फेस कर सकते हैं। जो बाकी तबकों में दिक्कत होती है, बाकी तबके छोटे होते हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है या ज्यादा दबे कुचले, ये फेस करने वाले तबके हैं, और इनकी ये जब अगर फेस करेंगे, ये दोनों तबके खिलाफ बहुत भयानक ढंग से अगर ये फेस करेंगे प्रॉपरली, तो हमें शायद यूपी से एक नया रास्ता दिखाई देगा। और साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ, अगर यूपी हार गए लोग तो देश के लिए बर्बादी का रास्ता शुरू होगा, बहुत खतरनाक है। ये जरूरी है कि यूपी में लोग जीते और वो फोर्सेस ना जीते जो देश को बर्बाद करना चाहती है, लोगों को लड़ाना चाहती है, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना चाहती है। जी,
नियोगी जी, मैं एक छोटा सा और सवाल, आप चूंकि लेफ्ट के मतलब एक नए प्रयोग के दौर में हैं, ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अभी लेफ्ट है वो क्यों लेफ्ट हो गया और क्या नए लेफ्ट की जरूरत महसूस हो रही है क्या? मुझे देखिए, जो है मैं पिछले करीब करीब जो है 35 साल से जो है पूरे कम्युनिस्ट आंदोलनों में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के बतौर काम किया. मुझे जो लगा कि दरअसल जो है भारतीय लेफ्ट असल में लेफ्ट है नहीं, अंतर वस्तु में वो दरअसल एक ब्राह्मणिकल सिस्टम के पार्ट एंड पार्सल बन गया है. उनके पास इस ब्राह्मणिकल सिस्टम के जो है वैकल्पिक कोई राजनीति, कोई सोच, कोई पॉलिसीज नहीं है. फर्ज कीजिए पूरे हमारे पूरी अर्थव्यवस्था एक जो है पूरे जो है ब्राह्मणिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन पर खड़ा है, कास्ट बेस्ड ग्रेडेड सिस्टम पर खड़ा है. इस सिस्टम को, ये सिस्टम जो है यूरोप से जो है बाकायदा अलग है, एक यूनिक है. इसके खिलाफ क्या दरअसल लेना चाहिए पॉलिसीज, ये इस बारे में उनके कोई समझ नहीं है. अभी एक महीना पहले मैं एक सेमिनार में मैं सुन रहा था, प्रोफेसर इरफान हबीब कह रहे थे एक वेब सेमिनार में कि कास्ट, इंडियन कास्ट, कास्ट सिस्टम इज द इंडियन वेरियंट ऑफ कास्ट क्लास. ये भारतीय जो है कोई जाति जाति नहीं है, ये इंडियन वेरिएंट ऑफ का ये क्लास है. इस मामले में जो है इनको समझने में आज भी जो है वो गलत गलत जो है सोच पर जो है पीटी पीटाई जो है चीजों पर वो चल रहे हैं. और दरअसल अब ये क्यों, ये एक चीज मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ. एक जो है कि ये जो है ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम, एक को जो है बगल वो ब्राह्मण होने पर वो जो है ऊपर ये गॉड ऑन द अर्थ बना देता है, और एक शूद्र जो है वो शूद्र होने के चलते उसे जो गटर में उतार देता है, सफाई कर्मचारी बन जाता है. ये जो आर्थिक सिस्टम है, इस सिस्टम को एड्रेस करने वाला उनके पास ये पॉलिसी नहीं है. दूसरी बात मैं ये कहना ये चाह रहा हूं, दरअसल ये जो पूरे संसदीय सिस्टम जो है जो बना 50 के दशक के बाद, वो दरअसल एक आप ये मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये दरअसल अपर कास्ट के पार्लियामेंट है. ये जो है ये कास्ट डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटरी सिस्टम, कास्ट पार्लियामेंटरी सिस्टम, ये उस हिसाब से कोई डेमोक्रेटिक पीपुल्स डेमोक्रेटिक कोई सिस्टम है नहीं. तो इस तरह से पीपुल्स डेमोक्रेटिक सिस्टम को ये पीपुल्स के जो है रेवोल्यूशन के जरिए या जनवादी कोई अफेबल के जरिए आता, ये दरअसल जो है एक मैनिपुलेटरी जो है सिस्टम है, और ये कोई भी आता है आकर तो उसको सिस्टम कर लेता है. अभी आपको चाहिए जो पुराने जो लेफ्ट है वो दरअसल जो है ये जो पूरे जनता है हमारे देश के जो है पूरे एंटी ब्राह्मणिकल जो 85 से 90% जो जनता है उसके बारे में उनके कोई पॉलिसीज नहीं है. अब इसीलिए वो पीछे है. आज भी जो है वो कम्युनलिज्म कह रहा है. मैं ये क्या कम्युनलिज्म है क्या, पूरे सिस्टम जो है पूरे ब्राह्मणाइज्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट मतलब जी किस तरह के जजमेंट दे रहा है, किस तरह से पुलिस एक्ट कर रहा है, किस तरह से जो है प्रेस एक्ट कर रहे हैं, पूरे देश में एक जो है बाकायदा जो है एक ये एक दूसरा एक ऐसी और सफिस्टिकेशन हो गया है. तो इस बारे में उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो इसलिए वो बाकायदा अपसुलट बन गया है. अभी वो लेफ्ट लेफ्ट नहीं है, यह पार्ट एंड पार्सल बन गया है. अभी नहीं एक लेफ्ट जो बहुजनों के जो है आकांक्षा, सपने, ड्रीम और उनके तमाम मांगों को लेकर के आगे उनके नेतृत्व को भी. जी 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 मैं अभी यहाँ ही रोकता हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं. जी 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 हाँ मैं आपके आपके पास ही आ रहा था कि बहुत सारे इसमें से अब क्लू निकल के आ रहे हैं, उस पे हम मुझे लगता है कि एक अलग से हम बहस करेंगे, बातचीत करेंगे. और कुछ और भी जो विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, सामाजिक चेतना वाले लोग हैं, उनको हम ले आए. आप कुछ कह रहे थे गिल साहब? मैं बस छोटी सी बात थोड़े से कहना चाहता जी. बाय एंड लार्ज मैं करता हूं बहुत जो हमारे साथी नियोगी ने कहा
अब मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ, बस उनका ये करेक्शन देना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने ब्राह्मण धर्म है, देयर इज नो हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म उसका नाम अंग्रेजों ने हिंदू धर्म कर दिया था, हिंदू धर्म जैसे ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण धर्म चल रहा है, ब्राह्मण धर्म के अनुसार आर्थिक राजनीतिक जी जी, चाहे वो चाहे निचला तबका है, चाहे वो दलित है, चाहे वो ब्राह्मण है, दोनों ही उसके शिकार है, दोनों ही उसके शिकार है। क्या हुआ, मैं राजीव गांधी क्या भूल जाता हूँ लड़के का नाम, राजीव गांधी राहुल 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 अभी क्या है, पंजाब गया, पंजाब में वो गया, पहले गया है गुरुद्वारे में मथा टेकने के लिए, मथा टेकने अपना अपना रिचुअल्स के हिसाब से, और उसके बाद वो क्या गया, उसने विजिट किया वाल्मीकि मंदिर, वाल्मीकि मंदिर जब गया तो उसे काले झंडे दिखाए गए, वाल्मीकि अच्छा। मंदिर काले काले झंडे दिखाए, मतलब समझ सकते हैं किन के तरफ से दिखा रहे हैं वो, बीजेपी की तरफ से। जी जी जी। मजे की बात है कि वो वाल्मीकि जो बीजेपी को सपोर्ट कर सकता है, उसको ये समझ नहीं आता गटर में उसको भेजा, ये बहुत बड़ी बड़ी विडंबना है, ये दिक्कत है, वो तो दिक्कत है भाई, अगर दलित को हम प्रेसिडेंट बना दें, जिस तरह ओबामा प्रेसिडेंट बन गया था अमेरिका में, उसने कालों के लिए कुछ नहीं किया, उसने कालों के लिए कुछ नहीं किया, वहां भी एक वर्णवाद है, वो भी जातवाद की तरह है, वो भी उसी तरह से है, जो काले हैं नस्ली भेदभाव है, नस्ल का भेदभाव भी उसी तरह है, जैसे हमारे यहाँ पर जातिवाद है, हमारे यहाँ जातिवाद थोड़ा सोफिस्टिकेटेड ज्यादा है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेशन है इसमें, वो थोड़ा क्रूड है, सीधा साधा है, काला पीला नीला नजर आता है, यहाँ नजर नहीं आता, यहाँ दोनों ही काले पीले हैं, मगर अपने को पता नहीं, कोई गोरा समझने लगता है, कुछ समझने लगता है। तो मैं अब यहीं रोकता हूँ, और दो दो तीन यहाँ क्लू है जिस पर हम आगे विचार करेंगे। एक तो बीएसपी का राइज और फाल, और वो जिस तरह से मूव कर रही है, और खास करके एक बड़ा एक एस्पिरेशन तो दिया ही था, और उस एस्पिरेशन का क्या हुआ, कैसे वो उसका हवा निकल गया, क्या हुआ, उस पर हम बात करेंगे। और दूसरा कि लेफ्ट जब फार क्या कहते हैं एक्सट्रीम राइट है, तो क्या एक्सट्रीम लेफ्ट भी लाजिम है क्या इस पूरे उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप कह रहे थे कि आने वाले समय में यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि उसकी जीत सुनिश्चित हो, और इसी उम्मीद के साथ कि जो भी दर्शक देख रहे हैं उस प्रोग्राम को, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और आएंगे अगले मुद्दे पे हम आपके साथ, ऐसे ही दो तीन और लोगों को भी हम इन्वॉल्व करेंगे जो इस विषयों पे ज्यादा समझ है, पकड़ है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, और आप सभी वक्ताओं का भी और जो भागीदारों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।